नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हूं धनंजय नौटिया। खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां जर्मन महिला डॉक्टर ने कालिंदी अस्पताल के स्टाफ पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि विकास नगर का कालिंदी अस्पताल काफी समय से विवादों के घेरे में है। यहां समय समय पर एक के बाद एक कोई न कोई नया विवाद खड़ा हो जाता है। हाल ही में महिला डॉक्टर संस्कृति प्रिया को अस्पताल से निकाले जाने पर काफी हंगामा खड़ा हो गया था। अस्पताल प्रशासन के खिलाफ स्टाफ के द्वारा तालाबंदी कर जमकर नारेबाजी भी की गई थी। वहीं क्षेत्र के लोगों ने बैठकर मामला शांत करवाया था। हॉस्पिटल में आप कार्यरत हैं, बिल्कुल जी। जैसे कि अभी ये आरोपों का दौर चल रहा है कालिंदी हॉस्पिटल पर, क्या ये डॉक्टर जो है जर्मन डॉक्टर है उनके साथ मारपीट की गई? सर, जब तक मैं वहाँ पे खड़ा था तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर बोलचाल हो रही थी क्योंकि भीड़ काफी थी, महिलाएं ज्यादा थी, तो पुरुष जितने भी थे ऑलमोस्ट सब बाहर ही खड़े हो रखे थे। पेशेंट, हाँ, जितने भी क्योंकि जो भी पेशेंट थे वो सारे के सारे मैम के पेशेंट थे। अच्छा, हाँ, तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये तो सर मेरे को ढंग से पता नहीं है क्योंकि अंदर मैनेजमेंट का क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, क्योंकि डॉक्टर को निकाल दिया गया था शायद इस वजह से सारा ये। अच्छा, कौन कौन लोग मौजूद थे उस समय झगड़े के समय? पूरा हॉस्पिटल ही था सर यहाँ पे, तो क्योंकि सुबह का टाइम था, सभी अपनी अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं लगभग 10 बजे तक, ऑलमोस्ट सारा ही हॉस्पिटल यहाँ पे था उस समय। तो क्या ये पूरे स्टाफ के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई? सर, मारपीट तो जहाँ तक मैं खड़ा था तब तक तो मैंने किसी को देखा नहीं मारपीट करते हुए। बोलचाल भले से हो रही थी पर मारपीट करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, सब लोग अंदर भी नहीं जा सकते थे। ये जो जर्मन डॉक्टर हैं उनका रवैया स्टाफ के प्रति कैसा है? सर, हमारे प्रति तो ठीक ही है, ऐसा कुछ नहीं है, पर उनसे ज़्यादा वो नहीं है हमारा ना, क्या बोलते हैं, बातचीत कमी है, बस आए नमस्ते चले गए बस, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं उनसे, तो इतना ज़्यादा हमें। अच्छा, पहले भी कभी स्टाफ के साथ, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि आपके स्टाफ के साथ अभद्रता की गई है उनके द्वारा, क्या पहले भी उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की है? सर, मैं तो अपना ही बता सकता हूँ ना सर। अच्छा, और किसका बताऊँगा, मैं तो अपना ही बता सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्या जिस तरह से बताया जा रहा है कि ओपीडी पर उनके द्वारा ताले लगा दिए गए थे और महिलाएं प्रेग्नेंट थी? हाँ, ये तो देखो, ये तो सही है बिल्कुल, उन्होंने ताले लगाया था, खुद ही दो दो ताले लगा दिए थे, ठीक है, और जितने भी पेशेंट थे उस समय उनको सबको घर भेज दिया था कि आप चले जाओ कहीं और दिखा लो। ताले क्यों लगाए गए थे? क्योंकि उन्होंने डॉक्टर साहब को निकाल दिया था। अच्छा, क्यों निकाला था? अब ये तो सर अंदर की बात है, मेरे को नहीं पता है। कितने डॉक्टर्स को निकाला था? मेरे ख्याल में एक ही डॉक्टर को निकाला था। क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर संस्कृति प्रिया। अब महिला डॉक्टर शशि नेस्ले प्रोटोरियस जो जर्मनी मूल की हैं, उनके द्वारा अस्पताल के स्टाफ पर मारपीट और अभद्रता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस में तहरीर भी दी है। तो आपके अस्पताल पर ये जो महिला उत्पीड़न का आरोप लगा है इसमें कितनी सत्यता है? महिला उत्पीड़न किसकी तरफ से आरोप लगा है? जैसे ये शशि डॉक्टर हैं जो जर्मनी, नहीं, उत्पीड़न उनके द्वारा कहा गया है कि उनके साथ मार, अरे बॉस, उत्पीड़न उन्होंने महिलाओं का किया है, उनका उत्पीड़न किसी ने नहीं करा है। एक हमारे हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजिस्ट हैं, जो छः साल से काम कर रही हैं, उनको बिना किसी उस एक रीजनेबल ग्राउंड के इमिडिएटली टर्मिनेट कर दिया है ना। उनके गर्भवती महिलाओं के 9-9 महीने बेचारी प्रेग्नेंट रहती हैं, उनके पास इलाज करती हैं, उनकी ओपीडी में ताले ठोक दिए गए हैं ना, उनको हॉस्पिटल में काम नहीं करने दिया, तो उत्पीड़न किसका करा? पेशेंट का उत्पीड़न हुआ कि उनका उत्पीड़न करा किसी ने? उन्होंने तो बाकायदा ताले ठोके हैं, पेशेंट बेचारे 6-1 हफ्ते से 10 दिन से बिना डॉक्टर के घूम रहे हैं, किसको दिखाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, किससे डिलीवरी करवाएं, इतनी एम्बेरेसिंग पोजीशन क्रिएट कर दी। उत्पीड़न उन्होंने करा है, डॉक्टर ने कोई, हम लोगों ने उत्पीड़न कोई करा उनका। अच्छा, जैसे कि कहा भी जा रहा है, सुनने में भी आ रहा है कि ये प्रॉपर्टी विवाद के चलते ये झगड़ा है, इसमें क्या कहेंगे आप? नहीं, प्रॉपर्टी विवाद कोई नहीं है, ये सब चीज़ें उन्हीं छोटे मोटे झगड़ों से स्टार्ट हुई हैं, और फिर पार्टनरशिप का तो है ही इशू, पार्टनरशिप है उसमें, लेकिन ऐसा कोई झगड़े वाले इशू नहीं है, वो सब चीज़ें सेटल हो गई थी बाद में, नौपाबाजी मीटिंग में थे, 4-5 बड़े बड़े लोग थे उनके साथ बैठ के, मीटिंग सब रिजॉल्व हो गया था। अच्छा, ये जैसे आपसी झगड़े में आपको नहीं लगता क्या मरीजों का उत्पीड़न हो रहा है? बिल्कुल, मरीजों का उत्पीड़न हुआ है, उसके लिए वो जिम्मेदार है महिला, वो जो जर्मन महिला लेडी हैं, उन लोगों ने उसने अपनी नाक के चक्कर में अपनी ईगो के चक्कर में सारे अस्पताल को वो बना के रख दिया है। आपको बता दें कि डॉक्टर शशि की कालिंदी अस्पताल में 51% की हिस्सेदारी है। अगर सूत्रों की माने तो यह सब झगड़े प्रॉपर्टी विवाद के चलते हो रहे हैं, जिसके चलते दूर दराज से आए अपनी बीमारी का इलाज करवाने वाले मरीजों पर भी पड़ रहा है। प्रकरण चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दीजिए।
कालंदी में 15 तारीख को डॉक्टर शशि हैं जो जर्मन की नागरिक हैं और इसकी हिस्सेदारी भी उनकी है काफ़ी बड़ी इस हॉस्पिटल की, तो उन्होंने जो तहरीर दी उसमें हॉस्पिटल के स्टाफ के ऊपर और कुछ लोगों के ऊपर उनके साथ में मारपीट और बदतमीजी करने का आरोप लगाया और उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। डॉक्टर शशि ने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं, तो बयानों के आधार पर और मेडिकल जो उनका हुआ उसके आधार पर जो भी इसमें मुलजिम है, हमने इसमें जो है CCTV फुटेज के को विवेचना में शामिल करने के लिए हॉस्पिटल का DVR भी कब्जे में ले लिया है, तो जो भी इसमें दोषी होगा सारे साक्ष्यों को संकलित करके जो हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं DVR में जो उन्होंने हमें रिकॉर्डिंग दी है डॉक्टर शशि ने उसको और जो उन्होंने बयान दिए हैं इन सबको सम्मिलित करके जो भी इसमें अभियुक्त प्रकाश में आएंगे सबके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। क्या सर ये प्रॉपर्टी विवाद है सर? नहीं, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ऐसा तो नहीं आया है। जैसा कि सर ये सुनने में आ रहा है कि डॉक्टर शशि और ये जो है जैन साहब इनके बीच में कुछ प्रॉपर्टी विवाद चल रहा है, डॉक्टर शशि ने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक दिया नहीं है, मुझसे भी मिली थी वो, फिलहाल मुझे अभी कोई बताया नहीं है, अगर ऐसा कोई पहलू होगा तो ज़रूर बताएंगे। सर इसी के चलते वहाँ पर मरीजों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मरीजों की भी जो है दुर्दशा हो रही है, इस बारे में तो आप संबंधित विभाग से ही पूछ सकते हैं, ये पुलिस के दायरे की चीज़ नहीं है, जो संबंधित विभाग इस बारे में वही बताएंगे। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।